आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर देख लिए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम एक ट्रिक के द्वारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें यहाँ निकालना है वाई डैश। वाई डैश का यहाँ आंसर होगा वाई, ये जो एक्स है ये ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कॉस एक्स प्लस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ डिनोमिनेटर कॉस एक्स है तो लॉग ऑफ कॉस एक्स। बस हमारा आंसर आ गया। वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गया कॉस एक्स की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन इसका माइनस साइन एक्स होता है, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, ये हो गया लॉग कॉस एक्स। इसको थोड़ा अरेंज करके सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। कॉस एक्स की पावर एक्स, इसको आगे लिख लीजिए लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स, साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स, और यही आपका आंसर है। विद इन नो टाइम आपका आंसर आ जाता है। एक बार और देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर रूट एक्स। यहाँ हमें y डैश निकालना है, हमारा आंसर होगा y रूट एक्स अपॉन एक्स फिर d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए x की वैल्यू पुट कर दिए, x रूट एक्स, यहाँ से रूट एक्स में रूट एक्स कैंसिल हो गया, रूट एक्स बचा यानी वन अपॉन रूट एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, और यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स। यही हमारा आंसर है। बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में हम इन आंसर्स को निकाल सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए थर्ड वाला। वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स एंड द पावर इज साइन एक्स एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ पर साइन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स यानी डिनोमिनेटर का लॉग। अब देख लीजिए ये हो जाएगा वाई का वैल्यू यदि आपने पुट कर दिया, वो हो जाएगा लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, यहाँ आएगा साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स होता है वन अपॉन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, और यहाँ पर जो बच गया वो है लॉग लॉग एक्स। इस तरीके से हम सभी आंसर्स को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक और देख लीजिए, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स इक्वल्स टू वाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स और लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ साइन एक्स। फाइनल आंसर लिखते टाइम ये हो जाएगा, वाई का वैल्यू पुट कर देंगे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये कॉस बाय साइन कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स, और साथ में आएगा लॉग ऑफ साइन एक्स। तो इस तरीके से विद इन नो टाइम हम अपने सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं केवल एक छोटा सा ट्रिक लगा करके। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।